अब बिल्कुल नया चैप्टर, अब बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और अपने चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, मेरे को पता है कि इस चैप्टर का मेरे चैनल पे बहुत इंतजार हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसको याद कराऊंगा, ये है मेरी गारंटी। ठीक है, पर आप थोड़ा एक चीज पे ध्यान देना कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो ऐसे मत करना कि बीच में भाग लिए, स्किप कर दिया, वो चीज मत करना, है ना। मेरे एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि मैं यहां पे पूरी एनसीईआरटी आपको एक एक वर्ड यहां पे समझाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, अपना चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो नाम है उसका क्या कर लेते हैं, उसका हम मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड अपना यहां पे दिखाई दे रहा है अपने को, क्या? ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ट्रांसपोर्ट कोई हमसे पूछ ले कि ट्रांसपोर्ट भाई क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई चीज दिल्ली में प्रेजेंट है और उस चीज को मुझे कहां भेजना है, मान लो मुंबई में भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो बस का यूज करूंगा या ट्रक का यूज करूंगा या ट्रेन का यूज करूंगा, है ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, है ना, यही अपना क्या है, अपना ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट है ना, मतलब एक चीज को दूसरी जगह पे भेजना, ये हमें कहां कराना है, प्लांट्स के अंदर कराना है, प्लांट्स के अंदर, है ना। अब प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराएंगे और कैसे कैसे कराएंगे, इसी पे अपना पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें सिंपल है, है ना। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो मेन कंटेंट है अभी अपना स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है और कहां होता है, ये तो सिंपल सी बात है ना, हम प्लांट फिजियो पढ़ रहे हैं और अपने चैप्टर का ही नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ये हम सारी बातें जो कर रहे हैं वो हम प्लांट्स के अंदर कर रहे हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट का अब हम टाइप देख रहे हैं कि कितने टाइप का हो सकता है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा बादल बना देते हैं, ये बेचारा खुश हो जाएगा, थोड़ा सा बादल बना दिया, ये खुश हो गया। ठीक है, अब देखो, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कितने टाइप का होता है, तो वो दो टाइप का होता है, वो होता है दो टाइप का। कौन सा? एक तो होगा क्या अपने पास, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होगा अपने पास लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरा होगा अपने पास क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाम से ही लग रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत कम दूरी पे ट्रांसपोर्ट किया गया, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे चीजों को ट्रांसपोर्ट किया गया। ठीक है, अब शॉर्ट डिस्टेंस का एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। मान लो ये पेड़ की कोई पत्ती है ना, ये लीफ है अपनी। अब लीफ के अंदर क्या होंगी, जाहिर सी बात है बहुत सारी क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। एक लीफ के अंदर बहुत सारी क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होगी ना, बहुत सारी सेल है। अब देखो मान लो कोई भी मटेरियल है इस सेल में पड़ा हुआ है और मुझे उसको इस सेल में भेजना है ना। मतलब क्या है, इस सेल से इस सेल में कोई चीज का ट्रांसपोर्ट हुआ तो वो कैसा हो जाएगा अपना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ना, सेल टू सेल जो चीजें ट्रांसफर हो गई है ना। सिंपल सी बात है, देखो पत्ती कितनी छोटी होती है और पत्ती है ना, लीफ के अंदर भी सेल्स कितनी छोटी छोटी होती है, तो एक सेल से दूसरे सेल में चीजें जा रही है, तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और इधर आपको मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल बताऊं, तो मान लो ये अपने पास एक ट्री है, ये अपने पास क्या है, एक ट्री है, और यहां क्या होंगी उस ट्री की, ये पेड़ की क्या होंगी, रूट्स होंगी, है ना, ये सिंपल सी बात है, उसकी जड़ें होंगी, और यहां पे क्या है अपने पास, मिट्टी है, पूरी मिट्टी है, और मिट्टी में क्या है अपने पास, पानी है, मिट्टी में ही क्या होता है, पानी होता है। अब देखो यहां पे ऊपर क्या है, इसके पास पेड़ की पत्तियां होंगी, ऊपर क्या है, लीव्स हैं। अब लीव्स को क्या चाहिए, ये पानी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। अब क्या होगा, ये रूट्स जो हैं ये इस पानी को अब्सॉर्ब करेंगी और ये पानी यहां ऊपर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसके देख लो कितना लंबा, कितनी लंबी दूरी हो गई है ना, ये पेड़ जो है ये कितना भी हो सकता है, 30 फीट का हो सकता है, ये 40 फीट का हो सकता है, ये 70 फीट का हो सकता है, कितना भी ऊंचा हो सकता है ना, तो 60 70 80 फीट तक है ना, वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 100 मीटर तक ये हो सकता है, 100 मीटर तक, है ना, तो कितना ज्यादा डिस्टेंस वाला ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया क्या, लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसपोर्ट है ना। तो ये चीज हम बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस किस तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंस किस तरीके से, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। देखो, शॉर्ट डिस्टेंस में ना हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें बेसिकली तीन चीजें पढ़नी है। शॉर्ट डिस्टेंस में हमें तीन चीजें पढ़ने को आएंगी, है ना। बेसिकली वही है कि शॉर्ट डिस्टेंस कैसे कैसे होता है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके से हो सकता है। क्या? पहली चीज है अपनी डिफ्यूजन, दूसरी चीज है अपनी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड है ना, आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरी चीज है अपनी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीसरी चीज है अपनी क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके से हो सकता है, एक डिफ्यूजन से, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, इतनी बातें ये शॉर्ट में क्लियर होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इधर आ जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो पहली बात हमें करनी है वो ये करनी है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, क्या? ट्रांसलोकेशन। वर्ड यूज होता है क्या? ट्रांसलोकेशन, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो फूड का है, वाटर का है, वो आप मैं बताऊंगा आपको, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है? अपना ट्रांसलोकेशन। एन को थोड़ा दोबारा अच्छा बना देते हैं, ट्रांसलोकेशन। इतनी बातें भी अपनी क्लियर हो चुकी। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है या फिर जिसको हमने ट्रांसलोकेशन बोला, ये दो चीजों के थ्रू हो सकता है, ये दो चीजों के थ्रू हो सकता है ना। कौन सी दो चीज है? एक तो अपना जाइलम, एक अपना जाइलम के थ्रू हो सकता है, और दूसरा किसके थ्रू हो सकता है? फ्लोएम के थ्रू हो सकता है ना। ये दो चीजों के थ्रू हो सकता है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। इतनी बातें क्लियर है, ये जो आपके सामने है इसको बिल्कुल क्लियर कर लो, आगे फिर हम बात करेंगे इसमें। जाइलम फ्लोएम को थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है? दो टाइप का, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में हमें कौन सी पढ़नी है? डिफ्यूजन पढ़ना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये हम खत्म करके जब हम ये लाइन से पढ़ेंगे फिर हम आएंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना, जो ट्रांसलोकेशन जिसको हमने नाम दिया। अब ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है ना, या फिर बोल लो कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है और फ्लोएम के थ्रू होता है। ये बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखो अभी हमने बात की कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? अपना किसके थ्रू होता है? अपना जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, और किसके थ्रू होता है? अपना फ्लोएम के थ्रू। ये दो चीजों के थ्रू होता है ना, ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जाइलम के थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम के थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा ना, कि क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है, उसमें आपके पास चार ही चीजें आएंगी। कौन सी चार चीजें आएंगी आपके पास? एक तो आपसे पूछा जाएगा वॉटर, कि वॉटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू। एक आपसे पूछा जाएगा फूड, एक आपसे पूछा जाएगा मिनरल्स, और एक आपसे पूछा जाएंगे प्लांट हॉर्मोन्स। एक आपसे पूछे जाएंगे क्या? आपने प्लांट हॉर्मोन, जो ऑक्सिन, गिब्रेलिन, वो सब, है ना। ये चार चीजें ही आपसे पॉसिबल पूछी जा सकती है, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। एक क्या? वॉटर, एक अपने पास फूड, एक मिनरल्स और एक प्लांट हॉर्मोन। ठीक है, अब देखो यहां पे बातों को समझो। पहली बात तो मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं कि इनमें से ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। देखो, वाटर अपना कैसा होता है? H2O मतलब कैसा होता है? ये अपना इनऑर्गेनिक है, ये अपनी इनऑर्गेनिक चीज है वाटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब फूड की बात करें तो फूड हमेशा बात करनी है कि फूड कैसा होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक भी कौन सा? यहां बात की जाएगी सुक्रोज की, यहां बात की जाएगी सुक्रोस की, है ना। फूड कैसा है? ऑर्गेनिक है, और कौन सा फूड भी पूछ लिया जाए तो सुक्रोस है, बात खत्म। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स मेनली कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे, बट ये कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन अपने कैसे होंगे? प्लांट हार्मोन होंगे अपने ऑर्गेनिक, है ना। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं चीजों को, है ना। हमने क्या देखा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना, हमने क्या देखा था कि लॉन्ग
डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू होती है, दो पाइप्स के थ्रू होती है। दो पाइप्स हैं वैसे, पाइप है ना, पाइप के थ्रू ही सामान जाएगा अपना। दो पाइप्स के थ्रू होती है, एक पाइप का नाम है जाइलम, एक का फ्लोएम। ठीक है, अब हम पढ़ना चाहते हैं कि जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो क्या क्या है अपने पास पॉसिबल चीजें देख लेते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट क्या क्या करना है। तो हमें चार चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, एक वॉटर, एक अपने को करना है फूड, एक मिनरल्स, और एक अपने को करने हैं क्या प्लांट हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें इनऑर्गेनिक कौन सा है और ऑर्गेनिक कौन सा है। वॉटर अपना कैसा है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है ना, H2O। फूड कैसा है, फूड देखने से ही पता लग रहा है सुक्रोस अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। प्लांट हॉर्मोन कैसे हैं अपने, ऑर्गेनिक है ना। ये पहली चीज अपनी क्लियर हो चुकी है, ये पहली चीज अपनी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। देखो, अब बात करेंगे कि ये किससे ट्रांसफर होगा ना, जाइलम से होगा या फ्लोएम से होगा, ये किससे होगा, जाइलम से या फ्लोएम से, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। देखो, वॉटर की जब भी हम बात करेंगे तो वॉटर हमेशा हमेशा ही हमेशा किससे होगा, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम से। फूड की बात करें तो फूड हमेशा ही हमेशा किससे होगा, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जाइलम से भी हो सकते हैं और अपने फ्लोएम से भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनरल्स जो है वो जाइलम से भी हो सकते हैं, फ्लोएम से भी हो सकते हैं। इसका मैं रीजन भी आपको बताऊं। ठीक है, और प्लांट हार्मोन में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि जाइलम से होगा या फ्लोएम से होगा, इसमें कोई इतना खास जरूरत नहीं, आपको ये याद रख लेना। वाटर हमेशा जाइलम से, फूड हमेशा फ्लोएम से, और मिनरल्स अपने जाइलम से भी हो सकते हैं और फ्लोएम से भी हो सकते हैं, वो चीज हम कर चुके हैं। पानी कैसा है, इनऑर्गेनिक है, फूड कैसा है, ऑर्गेनिक है, मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और प्लांट हार्मोन कैसे हैं अपने, ऑर्गेनिक है ना। जाइलम फ्लोएम भी देख लिया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी देख लिया, इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्शन, देखते हैं डायरेक्शन, देखते हैं चीजों की है ना, कि वाटर की डायरेक्शन कैसे होगी, फूड की डायरेक्शन कैसे होगी। देखिए, अभी हमने बात की कि हमें क्या करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट कराना है, हमें क्या करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है, हमें क्या करना है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, हमें क्या करना है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि प्लांट के अंदर इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक प्लांट बना लेता हूं। प्लांट क्या, पूरा पेड़ ही बना लेते हैं, ट्री बना लेते हैं ना, अगर बना सकते हैं तो पेड़ ही बनाओ, प्लांट क्यों बनाए, छोटा पौधा क्यों बनाए, पेड़ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई क्या, इसकी रूट्स हो गई ना, बिल्कुल समझ रहे हो। देखो, यहां पे क्या होगी इस प्लांट की, यहां पे क्या रहेगी इसकी, लीव रहेगी, पत्ती रहेगी, लीव्स रहेंगी। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेम हो जाएगा, तना हो जाएगा, और ये इसकी रूट्स हो जाएंगी, यानी जड़े हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे वॉटर, वॉटर का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगा, डायरेक्शन की बात करेंगे ना। हमें चार चीजों की बात करनी है, एक वॉटर की, एक फूड की, एक हमें मिनरल्स की बात करनी है, और लास्ट हमें बात करनी है अब प्लांट हॉर्मोन्स की। वाटर की बात करेंगे है ना, वाटर के बारे में अभी तक जो बातें हम कर चुके हैं वो कौन सी कर चुके हैं, कि वाटर कैसा है अपना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये हम एक बात वाटर के बारे में कर चुके हैं। और हम क्या बात कर चुके हैं कि वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है हमेशा और हमेशा किसके थ्रू होगी, जाइलम के थ्रू होगी। अब हम इसकी डायरेक्शन समझना चाहते हैं है ना, तो मेरी बात पे यहां थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। देखो, अब पानी जो है वो प्लांट को चाहिए, क्यों चाहिए है ना, और कौन से पार्ट को चाहिए, ये लीफ को चाहिए, यहां पे हमें पानी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इस लीफ को, इस पत्ती को क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, ताकि प्लांट अपना खाना बना सके। तो बेसिकली हमें पानी यहां पे चाहिए है ना। अब पानी यहां से तो घुसता नहीं है ना, मान लो आप एक सोच के देखो एक बात, आपके घर में जो गमले लगे हुए हैं ना, कोई भी पौधा है, आप कहां पानी डालते हो, उसकी जड़ों में ही तो, उसकी रूट्स में ही तो पानी डालते हैं हम। मान लो यहां पे मिट्टी है, तो मिट्टी में ही तो पानी डालते हैं, तो उसका कुछ तो रीजन है। उसका रीजन क्या है, कि जो ये प्लांट है, ये पानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूट्स के थ्रू ही अब्सॉर्ब कर सकता है। मैंने क्या बोला, ये प्लांट जो है, ये पानी को सिर्फ और सिर्फ रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कर सकता है।
ठीक है। और पहुंचाना कहां है हमें, यहां तक पानी को पहुंचाना है, तो ये पानी यहां से एंट्री मारेगा और ये यहां अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां देखने से ही पता लग रहा है कि जो प्लांट में पानी की मूवमेंट है वो रूट्स से लीव्स की तरफ ही हो सकती है। मतलब क्या है, वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ, यही पॉसिबल डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं हो सकती। मतलब बिल्कुल आसानी से हम बोल सकते हैं कि वाटर की जो मूवमेंट है वो कैसी है, अपनी यूनिडायरेक्शनल है, वो कैसी है अपनी यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। ये बात होगी अपनी पानी की, बिल्कुल क्लियर होगी, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, फूड की बात करेंगे, और फूड की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्लांट बनाना पड़ेगा। प्लांट क्या, फिर से हम तो पेड़ बनाएंगे भाई, बजट पूरा है अपना। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी रूट्स हो गई, है ना, ये स्टेम हो गई, ये यहाँ अब उसकी क्या है, यहाँ पे लीव्स हैं उसकी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं किसकी, फूड की हम बात करने वाले हैं, वाटर का हम बिल्कुल सारा सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, और अब हम एक बार देख लेते हैं कि हम कौन सी बात फूड के बारे में कर चुके हैं, कि फूड अपना कैसा होगा, कैसा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, कैसा होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, और उसमें भी पूछ लिया जाए तो कौन सा सुक्रोज अपने पास होगा, कौन सा सुक्रोज अपने पास होगा। और दूसरी बात हम क्या कर चुके हैं फूड के बारे में, कि फूड की ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा और हमेशा कहां से होगी, फ्लोएम के थ्रू होगी, ये बात भी हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि फूड बनेगा कहां पे, जो ये फूड है ये प्लांट के अंदर कहां पे बनेगा, तो यार जाहिर सी बात है फूड किससे बनता है, फोटोसिंथेसिस से, और फोटोसिंथेसिस कहां होती है अपनी, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होता है अपना, लीव्स के अंदर। मतलब एक बात क्लियर है कि ये जो प्लांट की लीफ हमें दिखाई दे रही है फूड बनेगा इसके अंदर, फूड बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब फूड को भेजना कहां है, तो अपना खुद का एग्जांपल ले लो, आप खुद का एग्जांपल ले लो। देखो, जो हम खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, बट वो खाना चाहिए अपने हाथों को भी खाना चाहिए, अपने ब्रेन को भी खाना चाहिए, है ना, अपने आंखों को भी खाना चाहिए। मतलब क्या है, बॉडी के हर पार्ट तक हमें क्या करना है, फूड को पहुंचाना है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस भी तो करानी है, इसको काम भी तो करना है ना। मान लो प्लांट का मैं यहां पे एक सेल प्रेजेंट है, और प्लांट की यहां पे कोई सेल प्रेजेंट है, प्लांट की यहां पे कोई सेल प्रेजेंट है, प्लांट की यहां पे कोई सेल प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि फूड तो भाई इसे भी चाहिए, फूड तो इसे भी चाहिए, फूड इसे भी चाहिए, फूड इसे भी चाहिए, है ना। और फूड बन कहां रहा है अपना, सिर्फ यहां बन रहा है, तो ये फूड बेचारा क्या है, नीचे भी जाएगा, है ना, नीचे भी तो बंदे प्रेजेंट है, मान लो रूट्स में सेल है, अब ये रूट्स तक भी तो फूड जाएगा, है ना, और ये फूड यहां भी जाएगा, फूड यहां भी जाएगा, फूड यहां भी जाएगा, है ना। तो फूड की डायरेक्शन की बात की जाए तो वैसे तो मल्टी डायरेक्शनल हो गया, है ना, वैसे तो मल्टी डायरेक्शनल हो गया कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है जहां पे जरूरत है, बट फिर भी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से करेंगे कि हमें डायरेक्शन सिर्फ क्या करनी है, ऊपर और नीचे की बात करनी है। तो फूड की बात करें तो फूड अपना क्या है, ऊपर भी जा सकता है, देखो ऊपर भी जा सकता है ना, जहां पे बना वहां से ऊपर भी जा सकता है, और क्या है, नीचे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मतलब क्या है, फूड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसी आ जाएगी अपने पास, बाय डायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वाटर की कैसी थी यूनिडायरेक्शनल, फूड की कैसी हो गई, बायडायरेक्शनल हो गई। बिल्कुल बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, फूड भी क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मिनरल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स की, और मिनरल्स को समझने के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पेड़ बनाना पड़ेगा, एक ट्री बनाना पड़ेगा। ये बना लिया, ये इसकी क्या है, रूट्स हैं, ये इसकी क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम क्या बात करने वाले हैं, मिनरल्स की बात करने वाले। तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं किसकी, मिनरल्स की बात करने वाले हैं। मिनरल्स में अब तक जो बातें हम कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं, कि मिनरल्स अपने इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, या फिर कैसे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये पहली बात हम कर चुके हैं। और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की हमने बात की थी, तो ये जाइलम के थ्रू भी हो सकता है, या फिर ये फ्लोएम के थ्रू भी हो सकते हैं ना। ये मजेदार बातें हैं मिनरल्स के बारे में, है ना, दोनों दोनों कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, जाइलम भी, फ्लोएम भी।
भी, ठीक है, ये बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं, ये बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं। अब डायरेक्शन की बात करते हैं मिनरल्स के, अब हम डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी समझने के लिए हम दो केस समझेंगे, पहला केस दूसरा केस, पहला केस दूसरा केस, है ना। पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, देखो जो मिनरल्स हैं अपने, मान लो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, अपनी सोयल में, अपनी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब मिट्टी से क्या होगा, ये रूट्स जो हैं प्लांट की, ये रूट्स जो हैं उन मिनरल्स को क्या कर लेंगी, अब्सॉर्ब कर लेंगी, और ये क्या जाएगा अपना ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपना ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर अगर इस हिसाब से देखें तो ये है सिर्फ रूट से सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब इस हिसाब से देखें तो इसकी कैसी डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस की बात करें तो इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखो मान लो ये एक क्या है, बुढ़ी, बुढ़ी लीफ है, है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप, बुढ़ी, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, ये वो वाली लीफ है ना पत्ती, और यहां पे एक बिल्कुल यंग लीफ है, इसको अभी ग्रो करना है ना, ये टीनेजर है और ये बुढ़ा हो चुका है, ठीक है। अब ये बुढ़ा हो चुका है तो इसके पास जो मिनरल है, इसके पास मान लो ये मिनरल पड़े हुए हैं, ये मिनरल्स इसके पास पड़े हुए हैं, तो इसको तो बेचारे को मर ही जाना है ना, तो इसको तो टपकना ही है, तो क्यों ना, तो क्यों ना हम इन मिनरल्स को, ये जो यंग लीफ है इसके पास पहुंचा दे, है ना, इसके तो बेचारी के काम आएगी क्योंकि इसको तो आगे ग्रो करना है, है ना। तो इस हिसाब से देखें तो देखो ये जो यंग लीफ है ये यहां भी हो सकती है, यंग लीफ यहां भी हो सकती है, यंग लीफ यहां भी हो सकती है, तो क्या है, तो क्या है, मिनरल्स अपने किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन, है मल्टी डायरेक्शनल हो गया, बट फिर भी बात करें तो बाय डायरेक्शनल, याद रख बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो मिनरल्स का जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बायडायरेक्शनल भी, हमने रीजन भी देख लिया कि यूनिडायरेक्शनल मतलब ऐसे सोयल से, मिट्टी से एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और बायडायरेक्शनल में हमने कैसे देखा कि इस प्लांट को, है ना, वैसे क्या बोलेंगे इसको, सेनेसेंस बोल देंगे ना, कि ये डेड होने वाली है, अब ये टपकने वाली है, तो टपकते टपकते अपना मिनरल्स ये जो ग्रो कर रही है नई लीव्स, यंग लीव्स, उनको ये अपना मिनरल दे जाएगी, इस हिसाब से अपना बायडायरेक्शनल ये फ्लो हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अपना फोर्थ अब बच गया, देखो अपना वाटर हो गया, फूड हो गया, अब फोर्थ अपना बच गया क्या, अब प्लांट हार्मोन, फोर्थ अपना बच गया क्या, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं आपको, वैसे प्लांट हार्मोन में सिर्फ इतना याद रखना कि कैसा होता है इनका, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल, ये इनकी डायरेक्शन आपको याद रखनी, इससे ज्यादा फालतू कुछ नहीं याद रखना, प्लांट हार्मोन में यूनिडायरेक्शनल। अगर एक बार यहां पे रिवाइज कर ले हम एक बार, है ना, देखो मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूं कि चीजें अपनी बिल्कुल पक्की हो जाएं, चीजें बिल्कुल अपनी पक्की हो जाएं, ठीक है। अभी रिवाइज कर ले, पहला हमने क्या किया था, वॉटर किया था, वॉटर किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, फूड किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, मिनरल्स किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया था, प्लांट हार्मोन किए थे। तो वॉटर में हमने क्या सी बात की थी कि यूनिडायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा। फूड में हमने बात की कि कैसा फ्लो होगा, अपना बायडायरेक्शनल फ्लो होगा। मिनरल्स में हमने बात की कि यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बायडायरेक्शनल भी हो सकता है, है ना। और प्लांट हार्मोन में हमने बात की यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, ठीक है। मिनरल्स यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो मिनरल्स को याद करने का तरीका बताता हूं, मिनरल्स को याद करने का, ये हर जगह दोनों चीज कर रहा है, हर जगह दोनों, कि ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इसकी पहली बात। दूसरी बात, ये जाइलम के थ्रू भी हो सकता है, फ्लोएम के थ्रू भी हो सकता है, ये इसकी दूसरी बात, है ना, हर जगह दोनों चीज कर रहा है, और क्या है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, अब बायडायरेक्शनल भी हो सकता है ना, हर जगह पे ये दोनों चीज कर रहा है, बोथ बोथ बोथ, है ना। और बाकी है वाटर है, फूड है, ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इसको याद रखने की आपको मैंने ट्रिक बताई। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो ये वर्ड हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब देखो हमने अभी अभी क्या किया था, अभी अभी क्या किया था कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप की होती है अपने पास, एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस, एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को शॉर्ट डिस्टेंस में डालें या लॉन्ग में डालें, तो इसका आंसर, आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, नाम से ही
पता लग रहा है। देखो साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, स्ट्रीमिंग मतलब एक तरीके से वो हिल रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो साइटोप्लाज्म कहां होता है अपना, साइटोप्लाज्म कहां होता है अपना, सेल के अंदर होता है। तो सेल तो बहुत छोटी होती है साइज में, सेल क्या है बहुत छोटी होती है साइज में, तो बहुत छोटी है तो ये किस में आ जाएगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अपना, शॉर्ट डिस्टेंस में आएगा, शॉर्ट डिस्टेंस में। देखो बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं सारी बातों को, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। देखो शॉर्ट डिस्टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन आएगा, और क्या क्या आएगा अपना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा, और क्या आएगा अपना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। ये बातें तो हम अभी तक कर चुके थे, और यहां पे हमने एक और ऐड कर लिया क्या, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पर मैंने इसको अलग से इसलिए बताया कि इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं पढ़ने का, बस इतनी बात याद रखनी है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। जो अपने मेन पढ़ने वाले आएंगे वो ये तीन आएंगे, है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस में तो हम कर चुके हैं कि एक जाइलम के थ्रू, एक फ्लोएम के थ्रू, इतनी बातें हम कर चुके हैं ना, ट्रांसलोकेशन जिसको हमने नाम दिया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी तक जो किया एक बार उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है शॉर्ट डिस्टेंस, एक होती है अपने पास लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। और शॉर्ट डिस्टेंस में हमने देखा कि कौन सी होगी हमारे पास, एक तो होगी अपनी डिफ्यूजन होगी, एक अपनी कौन सी होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी, एक अपनी कौन सी होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, और एक अपनी कौन सी याद रखनी थी अपने को, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग याद रखनी है ना। ये सिंपल सी बात है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में इतना कुछ खास नहीं है, तो मेन अपनी जो पढ़ने वाली है वो ये तीन बचती हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इधर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो हमने क्या बात की थी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, एक तो अपना जाइलम के थ्रू होगा और एक अपना फ्लोएम के थ्रू होगा। और क्या कैसे होगा, वाटर किसमें, फूड किसमें, मिनरल किसमें, ये हम बातें अच्छे से कर चुके। और एक मैंने बात बताई थी कि जाइलम प्लस फ्लोएम के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इतनी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने चैप्टर का फ्लो देखो, हम क्या करने वाले हैं, हम पहले कंप्लीट करेंगे अपना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, हाँ, इसके बाद हम जाएंगे किस पे, अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, और इसमें भी हमें तीन चीजें पढ़नी है, कौन सी, डिफ्यूजन पढ़ना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ना है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, और इन तीनों के लिए एनसीईआरटी में आप देखोगे तो क्या वर्ड यूज होता है, इनके लिए यूज होता है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में जो भी लिखा है उसको भी बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर हेडिंग आप देखोगे कि तो क्या यूज होता है इनके लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ये तीनों को पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या क्या देखा था। एक हमने देखा था डिफ्यूजन, एक हमने देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक हमने देखा था क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में करने वाले हैं। अब देखो यहां पे मैं आपको एक रफ डायग्राम बताऊंगा और उसी से सारी बातें अपनी ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली। देखो हम क्या करते हैं, एक पहाड़ी का डायग्राम बना लेते हैं। ये एक पहाड़ी है, ये एक हिल है, ये एक हिल है। ठीक है, अब देखो जो ये पॉइंट है, ये हिल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब यहां कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है। और ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, मतलब लो कंसंट्रेशन। ये भी क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, मतलब लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, मान लो मैं आपको बोल दूं कि एक पत्थर है, यहां अपने पास एक बड़ा सा पत्थर है। मैं आपको बोल दूं कि इस पत्थर को क्या करो, इस हिल, इस पहाड़ी के नीचे उतार दो। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहां पे इस पत्थर को लाकर छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के इफेक्ट से। मतलब क्या है, एनर्जी का कोई भी खर्चा अपना नहीं हुआ।
हुआ है ना। मैंने क्या बोला, मेरी बात याद करो कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन से चीजों को लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजेंगे तो अपना एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होगा। देखो मैं दो कंडीशन बना लूंगा यहां पे, एक पहली कंडीशन एक दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बोलेगी कि हाई कंसंट्रेशन से चीजों को कहां भेजना है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी कि लो कंसंट्रेशन से चीजों को कहां भेजना है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ इस पत्थर को भेजना है तो क्या है, एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होगा ना। पहला पॉइंट क्या होगा, एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि चीजों को लो कंसंट्रेशन से अगर हाई की तरफ भेजना है, तो आप इमेजिन करके देख लो, इमेजिन करके देख लो कि इस पहाड़ी के ऊपर आप ये पत्थर है ना, ये पत्थर को यहां से ऊपर चढ़ाना है, तो आप चढ़ाते चढ़ाते आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, इतना एनर्जी का खर्चा हो जाएगा। मतलब क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब आप चीजों को भेजोगे तो आपका एनर्जी का खर्चा होगा, एनर्जी का खर्चा होगा। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली बात। अब कर लेते हैं हम दूसरी बात, देखो हाई कंसंट्रेशन कहां है, हिल के बिल्कुल ऊपर है, लो कंसंट्रेशन हिल के बिल्कुल नीचे है, है ना। अब चीजें हाई से जब लो की तरफ आ रही हैं तो मूवमेंट किस टाइप की है, डाउन द हिल। डाउन द हिल मतलब हिल के नीचे की तरफ है, है ना। तो इसमें कैसी मूवमेंट हो जाएगी अपनी, डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है ना, हिल मतलब अपनी पहाड़ी, इसीलिए मैंने पहाड़ी बनाई थी, है ना। डाउन मतलब नीचे आ रही है ना। और लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाना है मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना है। ऊपर मतलब क्या है, अप, और किसके ऊपर, अपनी हिल के ऊपर। तो मूवमेंट हो जाएगी अप हिल मूवमेंट, है ना। सारी बातें अपने आप क्लियर हो गई कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होता, और मूवमेंट किस टाइप की बोल दी जाएगी, डाउनहिल मूवमेंट बोल दी जाएगी। और इधर बात करें, लो से हाई की तरफ जब जाएंगे तो एनर्जी का खर्चा होगा और मूवमेंट कैसी हो जाएगी अपनी, अपहिल मूवमेंट हो जाएगी, अपहिल मूवमेंट। अब देखो मजे की बातें, अब बहुत मजा आने वाला है ना। ये चीजें हमने सीख ली, अब इनको हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, चीजें कहां जाती हैं, हाई कंसंट्रेशन से कहां जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल, देखो नाम में आ रहा है डिफ्यूजन, तो ये डिफ्यूजन के पीछे पीछे चलेगा। मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन से चीजें कहां जाएंगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मतलब चीजें कहां जाएंगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिफ्यूजन में एनर्जी का खर्चा होगा या नहीं होगा, तो हाई से लो क्या है, एनर्जी का, कोई भी खर्चा नहीं होता। इसमें भी हाई से लो क्या है, एनर्जी का, कोई भी खर्चा नहीं होता। और इसमें क्या है, लो से हाई मतलब एनर्जी, क्या है, एनर्जी का खर्चा इसमें होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसमें डाउनहिल, किसमें अपहिल, है ना। तो क्या है, हाई से लो क्या है, डाउनहिल, तो ये कैसा है अपना, डाउनहिल है। हाई से लो क्या है, डाउनहिल, तो ये भी अपना कैसा हो जाएगा, डाउनहिल हो जाएगा। और लो से हाई क्या है अपना, अपहिल है, तो ये हो जाएगा अपना अपहिल मूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप बन गई। तो ये तो पहला, अपना पहला पड़ाव पार हो चुका है, अपने एनर्जी वाला देख लिया हमने, कंसंट्रेशन लो हाई वाला देख लिया, और हमने डाउनहिल अपहिल देख लिया। अब नेक्स्ट बात हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बहुत जरूरी बात है। देखो डिफ्यूजन में क्या है, हमें किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। डिफ्यूजन में हमें क्या है, किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें भी क्या है, हमें प्रोटीन की,
इसमें भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसमें भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली होते क्या है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ना, ये वो प्रोटीन मैंने लिखा है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। देखो इसमें अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसमें अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहां मजे की बात हमने क्या उठाई कि डिफ्यूजन में प्रोटीन का कोई भी काम नहीं है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन का यूज होता है, प्रोटीन के थ्रू ही ये अपनी मूवमेंट होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, प्रोटीन का यूज होता है, प्रोटीन के थ्रू ही मूवमेंट होती है, ये सिंपल सी बात है। और प्रोटीन कैसे हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, और इसका प्रोटीन और इसका प्रोटीन बिल्कुल अलग अलग है ना, सिंपल सी बात है। देखो इसका प्रोटीन तो क्या कर रहा है, एनर्जी का खर्चा करवा के मूवमेंट करा रहा है, और इसका प्रोटीन क्या कर रहा है, बिना एनर्जी का खर्चा किए मूवमेंट करवा रहा है। ये अपनी बातें यहां पे बिल्कुल पैक हो चुकी है, ठीक है। अब प्रोटीन के बेस पे बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी, देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया कि डिफ्यूजन में प्रोटीन का कोई भी काम नहीं है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे, देखो अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। यार थोड़ी ठंड लग रही है आज थोड़ी ना, वैसे हो ही गई है ठंड थोड़ा, और आपको पता नहीं चल रहा होगा शायद, रात के 3:30 बज रहे हैं, रात के या सुबह के कुछ भी बोल लो, कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका लॉजिक सिंपल सा बताता हूं। देखो जो इनहिबिटर होंगे वो कहां बाइंड करेंगे, अपने प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, कहां बाइंड करेंगे, अब प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। अब देखो डिफ्यूजन में तो प्रोटीन का कोई काम ही नहीं है, मतलब क्या है, इनहिबिटर के लिए डिफ्यूजन वाला सेंसिटिव नहीं है ना, इनहिबिटर का यहां कोई भी फर्क अपना नहीं पड़ेगा। इधर बात करें तो इधर प्रोटीन प्रेजेंट हैं, अब यही प्रोटीन क्या कर रहे थे, अपनी ट्रांसपोर्ट करा रहे थे, है ना। मान लो ये अपनी बस है, यह अपनी बस है, और यह क्या कर रही है, अपनी सवारियों को इधर से उधर पहुंचा रही है ना। और इनहिबिटर ने क्या किया, इस बस को क्या कर दिया, पंचर कर दिया। इनहिबिटर्स ने प्रोटीन के साथ बाइंड किया ना, मतलब क्या है, कैरियर के साथ बाइंड किया, इस बस को पंचर कर दिया, मतलब अब क्या है, ट्रांसपोर्ट अपनी नहीं हो पाएगी, है ना। अब ये इनहिबिटर क्या करेंगे, प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो प्रोटीन क्या है, अपना काम नहीं कर पाएंगे, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करा रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है, सिंपल सी बात है। जहां प्रोटीन है वहीं क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर है, जहां प्रोटीन है वहीं क्या है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर है, क्योंकि अपना इनहिबिटर किस पे बाइंड करेगा, प्रोटीन पे ही तो बाइंड करेगा, और यहां प्रोटीन ही अब्सेंट है तो इनहिबिटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनहिबिटर को बाइंड कहां करना था, प्रोटीन के साथ, जहां प्रोटीन है वहां सेंसिटिव टू इनहिबिटर, बात इतने पे खत्म है अपनी, है ना, बात इतने पे खत्म है, क्योंकि प्रोटीन ही तो अपना वो करा रहा था, ट्रांसपोर्ट करा रहा था, है ना। तो ये बात अपनी हो चुकी है, प्रोटीन के बेस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो अब हम एक और फैक्टर करने वाले हैं अपने प्रोटीन के ही बेस पे। देखो अभी हमने बात की थी कि डिफ्यूजन के केस में प्रोटीन का कोई भी काम नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, प्रोटीन अपना चाहिए ही चाहिए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन अपना चाहिए ही चाहिए, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके रिलेटेड सैचुरेशन के रिलेटेड बेसिकली क्या होती है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होती है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर आप प्रोटीन से ही दोगे, है ना। देखो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन में प्रोटीन नहीं है मतलब सैचुरेशन भी नहीं होगी, और क्या है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो मतलब सैचुरेशन भी होगी, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है मतलब सैचुरेशन भी पाई जाएगी, ठीक है। अब इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कि ये सैचुरेशन असल में है क्या। देखो जो ये प्रोटीन है या फिर ये प्रोटीन है, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया एक
रफ आइडिया देकर समझाऊं तो देखो, मान लो ये अपने पास क्या है, हॉर्मोन्स है, ये अपने पास हॉर्मोन्स है और मुझे इन हॉर्मोन्स को इस जगह से कहां तक पहुंचाना है, इस जगह पर पहुंचाना है, है ना। तो ये काम मान लो हम ये करवा रहे हैं या ये करवा रहे हैं, इसमें कौन करेगा, प्रोटीन करेगा, इसमें भी प्रोटीन करेगा, ये रफ डायग्राम बता रहा हूं। मान लो ये अपने पास क्या है, एक प्रोटीन है, ये अपने पास एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, इन हॉर्मोन्स को बोलेगा कि आओ भाई मेरे ऊपर बैठ जाओ, है ना, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहां पर उतार दूंगा। तो ये क्या करेगा, फिर इनको यहां पे जाके छोड़ देगा, यहां पे जाके उतार देगा। तो इस प्रोटीन ने, ये अपना प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने क्या किया, इन हॉर्मोन्स की यहां से यहां तक क्या करवा दी, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करवा दिया। ठीक है, इतनी बातें सिंपल है। ठीक है, अब एक बात देखो कि जो प्रोटीन की संख्या है, प्रोटीन की मात्रा है, वो तो लिमिटेड होगी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी प्लांट के अंदर इनफाइनाइट प्रोटीन है, कि कितने सारे प्रोटीन, ऐसा तो होगा नहीं, लिमिटेड ही तो होंगे। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि अगर यहां बहुत सारा हॉर्मोन है तो क्या है, यहां जो प्रोटीन के ऊपर हॉर्मोन बैठ सकता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में बैठ सकता है, है ना। मान लो ये प्रोटीन तो इनके लो गया, यहां पे एक और प्रोटीन है, इसने भी क्या किया, हॉर्मोन्स को बिठा लिया, है ना, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, चार प्रोटीन, है ना, कभी तो ये प्रोटीन खत्म हो जाएंगे। तो यही अपना सैचुरेशन वाला पॉइंट है, मतलब कभी तो प्रोटीन अपने खत्म होंगे। तो जिस पॉइंट पे वो अपने प्रोटीन, मतलब वो कैरियर खत्म हो गए, वहीं अपनी ट्रांसपोर्ट की सैचुरेशन आ जाएगी कि इससे ज्यादा अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट की सैचुरेशन आ गई कि इससे ज्यादा अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अपने प्रोटीन जो है वो पूरे भर चुके हैं, पूरे बुक हो चुके हैं। तो ये था अपना एक सैचुरेशन वाला पॉइंट, ठीक है। हमने प्रोटीन के बेस पे एक किया, हमने कौन सा किया, इनहिबिटर वाला पॉइंट किया, एक हमने क्या किया, सैचुरेशन वाला पॉइंट किया, है ना। अब एक और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसके, प्रोटीन के ही बेस पे, स्पेसिफिक या सेलेक्टिव, ये आपसे एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक या सेलेक्टिव, है ना। इन तीनों में से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक या सेलेक्टिव, देखो स्पेसिफिक और सेलेक्टिव एक ही बात होती है ना, इन तीनों में से आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक है और कौन सा नहीं है। तो सिंपल सा इसका भी प्रोटीन से ही आपको आंसर देना है कि जिसके पास प्रोटीन प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक है, मतलब खास है, ना। इसके पास तो प्रोटीन ही नहीं है तो काय का खास हुआ, तो ये अपना नॉन स्पेसिफिक कहीं भी हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक है ना। और इसके पास भी देखो स्पेसिफिक का मतलब है जहां पे ये वाले प्रोटीन होंगे वहीं ये होगा, है ना। और ये भी स्पेसिफिक है अपना प्रोटीन, मतलब जहां पे ये वाले प्रोटीन होंगे वहीं पे ये होगा, है ना। और इसके पास तो प्रोटीन ही नहीं है तो कहीं भी हो जाएगा, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, सेलेक्टिव नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि हमने क्या किया अपने प्रोटीन के बेस पे हमने यहाँ तीन चीज़ें देखी हैं। पहली कौन सी देखी थी हमने, इनहिबिटर वाली, है ना, कि जिसके पास प्रोटीन है वो सेंसिटिव टू इनहिबिटर है। दूसरी हमने क्या चीज देखी सैचुरेशन वाली कि जिसके पास प्रोटीन है वो क्या है, सैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करेगा। तीसरी चीज हमने क्या देखी, सेलेक्टिव वाली जिसके पास प्रोटीन है वो क्या है, स्पेसिफिक होगा, है ना। तो इसको याद करने की एग्जाम में एकदम से 2 सेकंड में चीजें करने की आपको ट्रिक बताता हूं कि जहां प्रोटीन है वहां अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जहां प्रोटीन है वहां अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और डिफ्यूजन के केस में सारे रिस्पॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। देखो इनहिबिटर से सेंसिटिव है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सैचुरेशन शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्पेसिफिक है, बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों की बात करें तो इनहिबिटर से सेंसिटिव भी है, है ना, क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट है। सैचुरेशन भी शो करेंगे क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट है। स्पेसिफिक भी होंगे क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट है।
बिल्कुल सारी बातें क्लियर होगी। एनर्जी वाला क्लियर कर चुके हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो क्लियर कर चुके हैं, है ना, अप हिल डाउन हिल वो क्लियर कर चुके हैं, इनहिबिटर वाला हो गया, सैचुरेशन वाला हो गया, स्पेसिफिक वाला हो गया, प्रोटीन वाला हो गया, कितने सारे क्वेश्चन बना लो अब, है ना, कितने भी क्वेश्चन बना लो, कहीं से भी पूछ लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखो हमने क्या देखा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट देखा, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने तीन चीजें देखी बेसिकली, उसमें हमने तीन चीजें देखी, कौन सी, एक तो हमने क्या देखा डिफ्यूजन को देखा, एक हमने क्या देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखा, एक हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा, एक हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखा। ठीक है, अब यहां पे देखो डिफ्यूजन में हमने क्या किया था, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा यहां पे, बहुत जरूरी बातें बताऊंगा। डिफ्यूजन में एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होता, और इधर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होता, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्चा होता है। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ लिया जाए कि कौन सा पैसिव है कौन सा एक्टिव है, तो सिंपल है, पैसिव मतलब क्या है, एनर्जी का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो डिफ्यूजन कैसा है, डिफ्यूजन पैसिव है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एनर्जी का खर्चा नहीं है मतलब पैसिव है, तो ये दोनों अपने पैसिव हैं, और इसके तो नाम में ही आ रहा है एक्टिव और एनर्जी का खर्चा हो रहा है, तो मतलब ये हो गया अपना एक्टिव और ये दोनों पैसिव। ये तो हो गई पहली बात, पहली कंफ्यूजन। ठीक है, अब दूसरी कंफ्यूजन देखो इसमें एनर्जी नहीं होती और प्रोटीन का भी कोई भी यूज नहीं है, है ना, इसमें एनर्जी नहीं है बट प्रोटीन का यूज होता है, इसमें एनर्जी भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, अब आपसे स्पीड पूछ ली जाए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे फास्ट है, कौन सा सबसे स्लो है, तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो एनर्जी का यूज हो रहा है मतलब फास्ट है, मतलब फास्ट है, और प्रोटीन का यूज भी हो रहा है मतलब बहुत ही फास्ट हो गया, मतलब ये हो गया सबसे फास्ट है। यहां पे एनर्जी का यूज नहीं है मतलब इससे तो ये स्लो है, बट प्रोटीन का यूज है तो इससे फास्ट है ना, तो ये सबसे फास्ट हो जाएगा, फिर ये मीडियम हो जाएगा और डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगी, और ये अपनी फास्टेस्ट हो जाएगी, ये अपनी फास्टेस्ट हो जाएगी और ये अपनी मीडियम हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब एक और बात है, एक और पॉइंट मैं यहां पे आपको बता दूं, किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखो गैसेस की बात करें, अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में जो ट्रांसपोर्ट है, गैसेस के अंदर ट्रांसपोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली का वर्ड यूज करना पड़ेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ना तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। मैंने क्या बोला कि गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है, अपना डिफ्यूजन के थ्रू होता है, यानी हम एनर्जी का खर्चा भी नहीं करेंगे और हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता नहीं है ना, नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली क्या करेंगे, हमने कॉमन जानकारी ले ली, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनके बारे में जानकारी लेंगे, कि हम पहले थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, फिर हम थोड़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, है ना। बेसिक जानकारी हम सारी ले चुके हैं, एनर्जी का खर्चा है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, कैसे कैसे क्या क्या होगा वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम जानकारी लेने वाले हैं किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। देखो स्किप मत करना, भागना मत, बहुत जरूरी चीजें हैं, एक बार अगर समझ में आ गई तो हमेशा के लिए चीजें पैक हो जाएंगी, एनसीईआरटी खुल के सामने आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ रहे। देखो हमने क्या किया था कि हमने दो सॉल्यूशन का एग्जांपल देखा था ना, हमने क्या किया था, कैसे समझ रहे थे हम, कि हम दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये अपना एक सॉल्यूशन हो गया, ये अपना दूसरा सॉल्यूशन हो गया, है ना, ये अपना सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन और ये अपना सॉल्यूशन है कैसा, बी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये दोनों सॉल्यूशन एक लेयर से क्या हमने क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, ए हमने सेपरेट कर दिया, है ना, और इसी लेयर के थ्रू क्या होगी, अपने सॉल्यूट्स की मूवमेंट होगी, बेसिकली ट्रांसपोर्ट होगी ना, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं।
ठीक है। अब देखो अगर मैं आपके सामने कंडीशन रख दूं कि ए सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, ए सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और बी सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, है ना। अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी बात मैं इसके बारे में करना चाहूंगा जो ये है ना, जो कि दो सॉल्यूशन के बीच में जो ये सेपरेटिंग लेयर है इसके बारे में एक मैं जरूरी बात करना चाहूंगा, है ना, और ये बहुत जरूरी बात है। देखो हमने तीनों चीजें की बात की थी, एक हमने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने तीन देखे थे, एक हमने क्या देखा था डिफ्यूजन देखा था, दूसरा हमने कौन सा देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा था, और तीसरा हमने क्या देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था, ये तीन टाइप के हमने देखे थे, ठीक है। अब देखो जो ये दो सॉल्यूशन, देखो तीनों में दो ही सॉल्यूशन वाला है ना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही चीजें चलेंगी कि एक साइड से चीजें दूसरी साइड जाएंगी या इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड, ये बात तो तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब देखो दो चीजों को सेपरेट करने वाली जो ये लेयर है ना, जो ये लेयर है वो डिफ्यूजन के केस में लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बात करें तो ये जो सेपरेटिंग लेयर है ये लिविंग होगी ही होगी, है ना, लिविंग होनी ही चाहिए, ये कंडीशन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जो ये सेपरेटिंग लेयर है ये लिविंग होनी चाहिए, नॉन लिविंग नहीं हो सकती। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो अपना डिफ्यूजन है वो लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है और नॉन लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, और एक्टिव की बात करें तो ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो हमने बात की थी कि डिफ्यूजन में प्रोटीन की जरूरत नहीं है, फैसिलिटेटेड में प्रोटीन की जरूरत है, एक्टिव में भी हमें प्रोटीन की जरूरत है, तो सिंपल सी बात है यार, जो प्रोटीन है वो नेचुरली कहां प्रेजेंट होंगे, अपने प्लांट्स में लिविंग सिस्टम में ही प्रेजेंट होंगे, है ना। नॉन लिविंग है, मान लो टेबल है, कुर्सी है या कुछ भी है, पानी है, उसमें तो प्रोटीन अपने प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो डिफ्यूजन में प्रोटीन नहीं तो नॉन लिविंग भी ये हो सकता है, एक ये भी एक याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। लिविंग सिस्टम पे डिपेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि ये नॉन लिविंग कंडीशन में भी हो सकता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये लिविंग में होगा। लिविंग में होगा मतलब क्या है, लिविंग सिस्टम पे ये दोनों डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता जबकि ये दोनों लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो ये बात हम बिल्कुल अच्छे से पैक कर चुके हैं कि जो ये सेपरेटिंग लेयर होगी डिफ्यूजन में लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती है, और फैसिलिटेटेड और एक्टिव में क्या होगी, ये लिविंग होगी कंडीशन है, ठीक है। ये बात भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, नई चीज क्या होगी, अपना डिफ्यूजन प्रेशर। नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या डिफ्यूजन प्रेशर, ये क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जहां सॉल्यूट ज्यादा है ना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं डिफ्यूजन प्रेशर, तो सिंपल सा रूल है एक, जहां सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे वहीं का क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। जहां सॉल्यूट्स ज्यादा वहीं का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा, ठीक है। अब ए को देख लो, इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हैं तो इस वाली कंडीशन में क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, और यहां सॉल्यूट्स कम है तो यहां क्या है, अपना डिफ्यूजन प्रेशर कम है, ठीक है। तो चीजें कैसे मूवमेंट करेंगी, चाहे आप किसी भी एंगल से देख लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाएंगी, है ना। डिफ्यूजन में हम देख चुके हैं, या फिर मैं आपको बोल दूं कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ चीजें जाएंगी, और चीजें कौन सी, अपने सॉल्यूट्स ही तो मूवमेंट कर रहे हैं, बेसिकली सॉल्यूट्स की तो मूवमेंट करानी है, ठीक है। तो किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सॉल्व कर दोगे, चाहे कंसंट्रेशन चाहे प्रेशर, ठीक है। अब एक बार फिर से जो हम डिफ्यूजन के बारे में कर चुके हैं वो कर लेते हैं। देखो डिफ्यूजन में पहला पॉइंट यही है कि हाई कंसंट्रेशन से चीजें कहां जाएंगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, ये हो गया अपना पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो हाई कंसंट्रेशन से लो मतलब कैसी मूवमेंट है अपनी, डाउनहिल,
कैसी मूवमेंट है, डाउन हिल है ना, लो की तरफ जा रही है तो कैसी मूवमेंट है अपनी, डाउन हिल है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और हम क्या कर चुके हैं कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से कहां जाएंगी, लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ चीजें जाएंगी, ये भी एक क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन चुके हैं सारे मैं बता दूंगा, ठीक है। और क्या है इसमें एनर्जी, इसमें एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होता, डिफ्यूजन में एनर्जी का कोई भी खर्चा नहीं होता। और हमने क्या पॉइंट किया कि प्रोटीन, डिफ्यूजन में प्रोटीन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमने क्या किया था, कि डिफ्यूजन स्पेसिफिक नहीं होती क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है तो कहां से स्पेसिफिक होगी, सिंपल सी बात है। और हमने क्या किया था कि डिफ्यूजन में जो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है वो नहीं पाई जाएगी, डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं पाई जाएगी क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है तो सैचुरेशन कहां से आएगी, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या पॉइंट किया था कि इनहिबिटर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन जो इनहिबिटर होते हैं वो प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, तो भाई प्रोटीन ही अब्सेंट है तो इनहिबिटर का इफेक्ट कहां पड़ेगा, कहीं भी नहीं पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है। और हमने क्या बात की कि जो डिफ्यूजन की जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है ना। और हमने क्या किया कि जो डिफ्यूजन है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो डिफ्यूजन के बारे में जितने क्वेश्चन बन चुके थे अपने सारे हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन के बाद अपना कौन सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम बात करने वाले हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो कर चुके हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। देखो चीजों को बार बार करेंगे ना, चीजें हमेशा के लिए पैक हो जाएंगी। मैं ये चीज अब बार बार आपको बोलता हूं कि चीजों को रिपीट करो, उसी से अपना काम बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर चुके हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी तो मूवमेंट अपनी कैसी हो जाएगी, डाउनहिल मूवमेंट हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, डाउनहिल मूवमेंट हो जाएगी, दूसरा पॉइंट हो गया। और क्या हमने किया था कि इसमें एनर्जी का खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। एनर्जी का मैंने सिंपल सा आपको लॉजिक बताया था कि जब तक हम चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ भेजेंगे तो चीजें अपने आप चली जाएंगी, एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, है ना। और यहां से हमें किसी चीज को ऊपर भेजना है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजना है तो एनर्जी का खर्चा होगा ना, इसलिए हमने ये याद कर लिया था। तो एनर्जी का कोई भी खर्चा यहां नहीं होता। और हमने क्या बात की थी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसमें हमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। अब प्रोटीन के ही बेस पे, है ना, प्रोटीन इसमें जरूरत पड़ती है, इसी के बेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट है तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी दिखाई देगा। और क्या कर सकते हैं हम कि प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये स्पेसिफिक भी होगी, है ना, सेलेक्टिव भी होगी। और क्या कर सकते हैं हम कि प्रोटीन प्रेजेंट है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव भी होगी, है ना, क्योंकि इनहिबिटर प्रोटीन के साथ ही बाइंड कर सकते हैं ना। सारे पॉइंट अपने प्रोटीन के बेस पे बन गए, ठीक है। और हमने क्या किया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो वो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में होगा। लिविंग सिस्टम में मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे पूरे तरीके से डिपेंड करता है ना। सारे पॉइंट अपने अपने खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, कुछ भी रटने का इसमें है ही नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है। देखो मान लो ये अपनी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो है ना, लिपिड की बनी होती है तो कैसी होगी, हाइड्रो
हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नफरत करने वाली, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब नफरत, है ना, फोबिया मतलब डर, नफरत, ठीक है। और इधर अब देखो कंडीशन समझो, इधर मान लो कोई प्रोटीन्स हैं या कुछ भी हो सकता है जिसे हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इसे हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, यहां से हमें यहां भेजना है इसको, है ना, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये हार्मोन है अपना, ठीक है। अब ये हार्मोन है मान लो ये कैसे नेचर का है, हाइड्रोफिलिक, ये कैसे नेचर का है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब देखो बड़ी गड़बड़ी क्या आ गई कि ये है अपना हाइड्रोफिलिक और ये है अपना हाइड्रोफोबिक, है ना, मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक और जिसको जाना है इधर से इधर वो है हाइड्रोफिलिक, है ना। अब ये गड़बड़ी हो गई, हाँ गड़बड़ी कैसे हो गई कि ये मेम्ब्रेन ऐसे तो इसको अब जाने नहीं देगी क्योंकि ये क्या करती है, पानी से नफरत करती है और ये पानी से प्यार करता है, तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, मतलब क्या होगी, यहाँ लड़ाई होगी, सिंपल सी बात है। अब करें क्या, है ना, अब करें क्या, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो होता क्या है, होता क्या है, मेम्ब्रेन, है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसके अंदर अपना क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होता है, इसके अंदर अपना क्या होता है, ये अपना क्या है, कैरियर प्रोटीन, ये अपना है कैरियर प्रोटीन, नाम से ही पता लग रहा है, कैरियर मतलब ये इनको कैरी करेगा, ये इनको कैरी करेगा। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इन हाइड्रोफिलिक नेचर के इस हार्मोन ही है, मान लो ये हार्मोन को अपने ऊपर बिठाएगा, अपने ऊपर बिठाएगा, है ना, यहां से इसने बिठाया और यहां अंदर इनको ये रिलीज कर देगा, यहां अंदर इनको ये रिलीज कर देगा, तो क्या है अपना, ट्रांसपोर्ट अपना हो चुका है, ट्रांसपोर्ट अपना हो चुका है ना। और किसने कराया, ये कैरियर प्रोटीन्स ने कराया, कैरियर प्रोटीन। अब याद करो मेरी बात, मैं बार बोल रहा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन्स का यूज होता है, प्रोटीन्स का यूज होता है ना, ये सिंपल सी बातें थी, है ना, यही सिंपल सी बातें थी। और कैसा गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, कि अंदर अपने पास कोई हार्मोन नहीं था, बाहर हार्मोन ही हार्मोन थे, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और एक बात याद कर लो, मैंने क्या बोला था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करती है ना, बेसिकली देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, ये लिविंग सिस्टम ही तो है सारा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में तो होगी, सिंपल सी बात है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपना क्लियर है। अब लास्ट अपना क्या बचता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लास्ट अपना क्या बचता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम क्या क्या कर चुके हैं, कि चीजें कैसे मूव करेंगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि लो कंसंट्रेशन, देखो लो कंसंट्रेशन यानी नीचे से चीजें ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, है ना, मतलब कैसी मूवमेंट है ये, अपहिल मूवमेंट है, ये कैसी मूवमेंट है, अपहिल मूवमेंट है। और ऐसी मूवमेंट जब हम कराएंगे कि लो से हाई की तरफ, तो क्या होगा, अपनी एनर्जी का खर्चा होगा, तो क्या होगा, अपनी एनर्जी का खर्चा होगा। और हमने क्या किया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये भी हम कर चुके हैं। और हम क्या कर चुके हैं, देखो प्रोटीन प्रेजेंट है तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी दिखाई देगी, है ना, प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या है, स्पेसिफिक या सेलेक्टिव भी ये होगी, है ना, और प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या है, इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव भी है, क्योंकि इनहिबिटर कहां बाइंड करेंगे, प्रोटीन के ऊपर, ये तीन भी अपने बन चुके हैं। और क्या है, और हमने क्या बात की थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो वो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लिविंग होती है, इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीजों में पाया जाएगा। ये अपने पॉइंट सारे बनके तैयार हैं, सारे पॉइंट अपने बनके तैयार हैं, ऑटोमेटिकली कुछ भी याद नहीं किया, अपने सारे पॉइंट खुद ब खुद बन रहे हैं, ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देख लेते हैं ये होती कैसे है, ये होती कैसे है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चीजों को समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो हमने तीन चीजें देखी, एक तो हमने देखा डिफ्यूजन देखा, है ना, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और अब हम क्या देख रहे हैं, अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब तीनों के बारे में मैं एक बात बार बार बता रहा हूं कि डिफ्यूजन में प्रोटीन का कोई भी सवाल नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें प्रोटीन चाहिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें क्या है, प्रोटीन चाहिए, ये बातें हमने की थी, ठीक है। अब हमारे
हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन, तो क्या ये दोनों प्रोटीन सेम होते हैं ना, जो ये प्रोटीन है वो यही है, क्या ये सेम होते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर ये दोनों प्रोटीन सेम हो तो इनको हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं ना, इनको इकट्ठे ही ना पढ़ लें, इनको इकट्ठे ही पढ़ लें, है ना। और भी बहुत सारे फर्क है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराती है, एनर्जी का भी खर्चा नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाती है, और क्या है, एनर्जी का भी खर्चा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल साइज का लॉजिक है कि इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन में कुछ तो खास बात है ना, इस प्रोटीन से कुछ तो खास बात है, ये बिल्कुल अलग प्रोटीन है, बिल्कुल ही अलग प्रोटीन है। तो वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन अपना यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पंप्स बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पंप्स। और इसका एग्जांपल आप ले लो, मान लो सोडियम पोटेशियम पंप है अपना, सोडियम पोटेशियम पंप है ना। अब सिंपल सी बात है, सोडियम पोटेशियम पंप है तो वो किसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, सोडियम आयंस की या अपने पोटेशियम आयंस की ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। और कैसे करेगा, नाम से ही पता लग रहा है ना, पंप किस में है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, तो एक्टिवली करेगा। मतलब क्या है, एनर्जी का खर्चा होगा, ठीक है। ये अपनी बेसिक सी बातें थी, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अब देखो, अब हम करने वाले हैं क्या, पोरिंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पोरिंस के बारे में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्वा पोरिंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको देखो, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हुए ना आपने सारे, ये पोरिंस, एंटीपोर्स, इम्पोर्ट, सब में किसका एग्जांपल दिया हुआ है अपना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही सारे डायग्राम, सारे एग्जाम्पल दिए गए, है ना। तो वही एनसीईआरटी को ही हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या किया था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमने एक थोड़ा सा आइडिया लगाया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैसे कैसे प्रोटीन वो अंदर पहुंचाता है, उसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको अब समझा देता हूं। देखो, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, मेम्ब्रेन है, ये अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, मेम्ब्रेन से बाहर का एरिया यानी आउटसाइड, और ये मेम्ब्रेन से अंदर का एरिया यानी इनसाइड, ठीक है। अब देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, प्रोटीन्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये मान लो मैंने मेम्ब्रेन में क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, इसलिए इनको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या है अपना, बेसिकली कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन मतलब ये कैरी करेगा, सामान को कैरी करेगा। कैसे कैरी करेगा, मान लो यहां पे अपने पास क्या है, कुछ भी है, कुछ भी सामान है, हार्मोन है ना, हार्मोन है। और इस हार्मोन को हमें क्या करना है, इनसाइड पहुंचाना है, आउटसाइड से इनसाइड अंदर तक पहुंचाना। तो होगा क्या, होगा क्या, ये यहां पे इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये हार्मोन इस कैरियर प्रोटीन के ऊपर बैठ जाएंगे, और ये प्रोटीन अब क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। और रोटेट करने से क्या होगा, जो भी ये हार्मोन है, अपना सामान है, ये कहां पहुंच जाएगा, इनसाइड पहुंच जाएगा, है ना। अब कैरियर प्रोटीन अपना इसको अनलोड करने के बाद खाली हो जाएगा, दोबारा घूम जाएगा, दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से बातें चलती हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि पोरिंस क्या होते हैं और उसके बारे में, है ना। देखो, बेसिकली आपको मैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, उसी फ्लो के साथ चलेंगे, बिल्कुल उसी के फ्लो के साथ, ठीक है। अब देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी के फ्लो पे आपको बातें बताऊंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के फ्लो पे। देखो, अभी हमने क्या किया कि मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन प्रेजेंट थे, मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन प्रेजेंट थे, ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन में बिल्कुल चिपकाने जा रहा हूं कि जो ये प्रोटीन होते हैं ना मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या फॉर्म कर देते हैं, क्या बना देते हैं, ये चैनल्स बना देते हैं, ये बेसिकली चैनल्स बना देते हैं। चैनल वो ही है जिसके थ्रू चीजें इधर से उधर जाएंगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो ये चैनल्स है ना, ये दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, हाँ। पहले टाइप के कौन से होंगे, कि जो हमेशा खुले रहेंगे, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। दूसरे टाइप के कौन से होंगे, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ। कंट्रोल कैसे, कि जब इनकी जरूरत है तो हम इनको ओपन कर लेंगे, और जब जरूरत नहीं है तो इनको क्लोज कर लेंगे, है ना। और दूसरे टाइप के कौन से थे, जो हमेशा खुले ही रहेंगे, है ना। ये पहली बात हो गई। अब मैं आगे बातें बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, कई बार क्या होता है, ठीक है, हमने चैनल देख लिया कि प्रोटीन क्या बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो ये चैनल है ना, जो ये चैनल है, ये बहुत बड़े साइज का हो जाता है,
कई बार क्या होता है, जो ये चैनल है ये बहुत बड़े साइज का हो जाता है, तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, एक पोर जैसा दिखने लगता है ना, कि इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि मेम्ब्रेन ऐसा लगेगा, मान लो ये अपनी मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में ये पोर जैसा नजर आएगा, पोर जैसा है ना। अब पोर जैसा नजर आएगा तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पोरिंस बोल देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, पोरिंस बोल देते हैं इन चैनल्स को ना, बहुत बड़े साइज के चैनल्स को हमने बोल दिया पोरिंस। ठीक है, वो पोरिंस बने कैसे हैं, तो जाहिर सी बात है पोरिन कहां से बने हैं, अपने प्रोटीन से ही तो बने हैं, कि प्रोटीन ने बनाए चैनल, और बहुत बड़ा चैनल जो पोर जैसा हो गया उसको हमने बोल दिया क्या, पोरिन बोल दिया, पोरिन बोल दिया। ठीक है, अब पोरिंस के बारे में, पोरिंस के बारे में एनसीईआरटी में दो चीजें लिखी हुई है, दो चीजें लिखी हुई है। पहली चीज क्या लिखी हुई है कि ये पोरिन जो है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इस बारे में चीज लिखी हुई है कि कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, कि आउटर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, पहला क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है अपना प्लास्टिड, दूसरा क्या है अपना प्लास्टिड, और तीसरा क्या है अपना सम ऑफ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो पोरिंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया, ये एनसीईआरटी का। ठीक है, ये हो गया पोरिंस के बारे में अपना, पोरिंस के बारे में ये हो गया अपना पहला पॉइंट हो गया। और पोरिंस के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है, कि पोरिंस का साइज इतना बड़ा होता है, पोरिंस का साइज इतना बड़ा होता है कि इनके थ्रू हम स्मॉल, इनके थ्रू हम स्मॉल साइज के प्रोटीन तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि प्रोटीन क्या करेंगे, चैनल्स बना देंगे, चैनल्स बहुत बड़े साइज का, कैसा पोर जैसा दिखेगा, जिसको हम बोल देंगे पोरिंस बोल देंगे। अब पोरिंस प्रेजेंट कहां होते हैं, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या लिखा गया है कि प्रोटीन जो ये पोरिन होता है, पोरिन इतने बड़े साइज का होता है कि जो स्मॉल साइज के प्रोटीन है ना, प्रोटीन तक भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल क्लियर है, पोरिन की कंफ्यूजन क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्वा पोरिंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्वा पोरिंस के बारे में, एक्वा पोरिंस के बारे में। ठीक है, देखो पोरिन तो हमने देख लिया, पोरिन क्या है बेसिकली, पोरिन क्या है बेसिकली, चैनल है। पोरिन क्या है, प्रोटीन का बना हुआ चैनल है जिसके थ्रू चीजें इधर से उधर जाएंगी। और एक्वा क्या होता है, अपना वाटर होता है, एक्वा क्या होता है, वाटर होता है। तो एक्वा पोरिन क्या हो जाएगा कि ऐसा चैनल, ऐसा चैनल जिसके थ्रू वाटर का क्या करवाना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, कि ऐसा चैनल जिसके थ्रू वाटर इधर से उधर जाए उसको हम क्या बोल देंगे, एक्वा पोरिन बोल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्वा पोरिन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसकी हम बात करते हैं। देखो मान लो ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं सिंगल सिंगल लेयर ही बना देता हूँ। ठीक है, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब वाटर मान लो ये अपना आउटसाइड एरिया, ये अपना इनसाइड एरिया। ठीक है, अब बहुत सारा वाटर यहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी यहाँ पड़ा हुआ है। अब इस पानी को हमें कहाँ भेजना है, अंदर इनसाइड एरिया में भेजना है। अब नॉर्मली तो जो नॉर्मली जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होगा, अपना डिफ्यूजन से होगा, वो सिंपली किससे होगा, डिफ्यूजन से होगा। बट हम बात कर चुके हैं कि डिफ्यूजन एक कैसी प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन से अपना काम नहीं बनेगा। अब हम करेंगे क्या, अब हमें देखो इससे क्या जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो जाएगा। अब हमें क्या करना, जल्दी से जल्दी अंदर भेजना है ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ये एक्वापोरिन्स लगे हुए हैं, ये एक्वापोरिन है अपना, एक्वापोरिन है ना। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहां देखने जा रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहां हम देखने जा रहे हैं ना। ये पूरा एग्जांपल मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटी में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर बैठ जाएगा, इस एक्वापोरिन के ऊपर बैठ जाएगा, और ये क्या है फिर ऐसे घूम जाएगा और अंदर पानी को ये रिलीज कर देगा है ना, ऐसे जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी करेगा है ना। तो ये बेसिकली अपना एक्वापोरिन होता है ना, सिंपल क्या है, पोरिन क्या है अपना वाटर चैनल है ना, ये प्रोटीन जो है अपना, और एक्वा मतलब ये क्या कर रहा है, अब पानी की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा है है ना, यही होता है अपना एक्वापोरिन। और इसके बारे में जो याद रखने लायक बात है कि एक्वापोरिन अपने 8 टाइप,
एट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके बना है। जो एक्वापोरिन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, एट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना। क्वेश्चन लायक बात क्या है कि एट आठ आपको ये यहाँ पे याद रखना है, आठ आपको यहाँ पे एट याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिपोर्ट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तीन होते हैं बेसिकली अपने पास, यूनिपोर्ट, एक होता है अपने पास एंटीपोर्ट, एक होता है अपने पास एंटीपोर्ट और एक होता है अपने पास सिमपोर्ट, एक होता है अपने पास सिमपोर्ट, है ना। देखो इनका मतलब तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। देखो यूनि मतलब क्या होता है, एक, अकेला, है ना, कि चाहे वो अंदर जाए चाहे वो बाहर जाए उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो अकेला है। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटी मतलब होता है ऑपोजिट, कि भाई तू बाहर जाएगा तो मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा तो तू बाहर जाएगा, ना, एंटी है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिम का मतलब होता है साथ में, सिम का मतलब होता है साथ में, कि तू बाहर जाएगा तो मैं भी बाहर जाऊंगा, या फिर तू अंदर आएगा तो मैं भी अंदर आऊंगा, ये है अपना, है ना। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो तीनों में सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों में सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये तीन बॉक्स मैंने बना लिए, तीन बॉक्स मैंने बना लिए, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं, एक ए है एक बी है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, एक ए है एक बी है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, एक ए है एक बी है, ठीक है। और ये अपना यूनिपोर्ट वाला है, ये अपना एंटीपोर्ट वाला है, ये अपना सिमपोर्ट वाला है, ये अपने देख लिया, ठीक है। अब देखो यूनिपोर्ट क्या है, एक मतलब अकेला, मतलब ए को अगर अंदर जाना है तो उसका बी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, बी जाए या ना जाए इसको कोई भी मतलब नहीं है, ये अकेला जाएगा, ठीक है, अकेला जाएगा। और इसको बाहर आना है, इस डब्बे में से बाहर आना है तो भी अकेला आएगा, बी इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इधर एंटीपोर्ट में बात करें, एंटी में मतलब क्या है, कि तू अंदर जाएगा तो मैं बाहर आऊंगा, मतलब क्या है, अगर ए को अंदर जाना है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो बी को बाहर आना पड़ेगा, है ना, ये कंडीशन रख दी। एंटी मतलब ऑपोजिट, है ना, यहां पे कंडीशन क्या रख दी, कि अगर ए को अंदर जाना है तो इसके अंदर जाने के लिए बी को बाहर आना ही पड़ेगा, ये अपना हो गया एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट की बात करें तो ए को अगर अंदर जाना है तो बी को भी मजबूरी में उसके साथ जाना ही जाना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर ए को बाहर आना है तो बी को भी क्या है, बाहर आना ही पड़ेगा, ये अपना है। यूनि मतलब अकेला है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एंटी मतलब एक बाहर एक अंदर, है ना, ये कंडीशन है। इधर क्या कंडीशन है, या तो दोनों अंदर जाएंगे या दोनों बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना खत्म होता है पार्ट वन, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट का पार्ट वन। मिलते हैं पार्ट टू में, थैंक यू, धन्यवाद।